नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है MS Classes। इसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे इंग्लिश ग्रामर के अलग अलग टॉपिक सरल भाषा में, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंग्रेजी ग्रामर सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो अपनी अंग्रेजी की नींव मजबूत करने के लिए जहाँ से अपन शुरुआत करते हैं, और उस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, टॉपिक का नाम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, हम अंग्रेजी भाषा में जब वाक्य का निर्माण करते हैं तो आप सभी को पता है कि वाक्य कई शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। वो प्रत्येक शब्द उस वाक्य में अलग अलग कार्य करता है और उसकी एक अलग पहचान होती है, तो उसके कार्य और उसकी पहचान के लिए उसको एक विशेष नाम से पुकारा जाता है। और ऐसे जो मुख्य शब्द वो आठ हैं, और आठों को मिलाकर एक नाम दे दिया गया है, और ग्रामर में उसका वो जो टॉपिक है उसका नाम दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में कहा जाता है शब्द भेद कहा जाता है। तो मुख्य रूप से किसी भी वाक्य में जो शब्द होते हैं वो आठ प्रकार के काम करते हैं, इसलिए वो आठ प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ, आठों जो हैं आप सभी ने कभी 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 ना कभी इनका नाम सुना होगा और पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी, तो वो अलग अलग आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर उनको एक साथ अपन एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है, उसको अपन पढ़ेंगे। तो वो आठ हैं, नाउन जिसे अपन संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन, सर्वनाम, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव, विशेषण, प्रीपोजिशंस, पूर्वसर्ग, कंजंक्शंस, संयोजक शब्द और इंटरजेक्शंस, आशयबोधक शब्द। ये आठों जो हैं वाक्य में अलग अलग काम करते हैं, और इन आठों को मिलाकर कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें आज अपन पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं, जिसका नाम है नाउन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, अंग्रेजी में पढ़ा है, बहुत ही सरल, कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है। तो इसको देखते हैं अपन, नाउन, जैसा कि हिंदी में आप सभी जानते हैं, किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के या स्थान के या धातु के या किसी भाव के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत ही सरल शब्दों में अंग्रेजी में डेफिनेशन क्या है इसकी, ए वर्ड दैट इज द नेम ऑफ, वह है शब्द जो नाम बताता है। अब नाम किस किस का बताता है, ए थिंग, वो एक वस्तु का नाम हो सकता है, एन आइडिया, एक विचार या भाव हो सकता है, प्लेस किसी स्थान का नाम हो सकता है, या फिर ए पर्सन, एक व्यक्ति का हो सकता है। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहा जाए तो नाम संज्ञा को अगर एक शब्द में अगर कहा जाए तो दूसरा शब्द क्या होगा, नाम। और वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, विचार का हो सकता है, धातु का हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि नाम ही क्या है, संज्ञा। बस सीधे सीधे शब्दों में अपन ये कहा जाए तो। अब ये तो थी इसकी परिभाषा। अब नाम भी अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, इसका मतलब फिर नाउन के अलग अलग प्रकार हो गए। तो अब अपन देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो नामों के आधार पर जो अपनी संज्ञा है, ये जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है, इसको अपन छोटी क्लासों में वैसे तीन ही टाइप्स पढ़ाते हैं अपन, लेकिन कुल मिलाकर इसके पांच प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, नंबर एक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब यहाँ समझ लीजिए आप, विशेष, व्यक्ति है, स्थान है, वस्तु है। तो जिस व्यक्ति या वस्तु का कोई विशेष नाम होता है, जैसे लड़का है, अब लड़के तो सारे,
लेकिन किसी लड़की का नाम राम है, किसी का मोहन है, किसी का सोहन है, किसी का हरी राम है। तो ये जो अलग अलग नाम है वो अलग अलग नाम ही क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। अब इसको आप वाक्य में आसानी से पहचान सकते हैं, इसका एक सरल तरीका है प्रॉपर नाउन को पहचानने का। अंग्रेजी के वाक्य में कहीं भी, वाक्य के बीच में कहीं भी कोई ऐसा शब्द है जिसका पहला अक्षर यदि कैपिटल है, बड़ा है, तो समझ लेना वो नाउन है। और कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ये सीधी सी भाषा है, यानी किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विशेष नाम कोई, जैसे जगह। अब जगह तो सारी जगह, लेकिन हर जगह का अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ अपने गांव के नाम बगड़ी, इसके आगे जाओगे तो अनूरपुरा खेड़ा, इसके आगे जाओगे तो रजवास, हर जगह का अलग अलग नाम है। तो उस अलग अलग नाम को ही अपन क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रकार क्या कहता है अपने को, इसको नाम दिया गया है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, ये वो जाति नहीं है जो अपने अपन मानते हैं। जाति का मतलब जो एक जैसे हैं। अब एक जैसे कैसे हैं? जैसे यहां भी इसमें देखा था अपन ने, राम भी लड़का है, मोहन भी लड़का है, गोपाल भी लड़का है, तीनों का नाम अलग अलग है, तो वो तो प्रॉपर नाउन हो गई। लेकिन तीनों को अगर खड़ा कर दें तो क्या कहेंगे कि ये तीनों क्या हैं? लड़के। क्यों? क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, तो उसको क्या कहेंगे फिर अपन, बॉय। यानी वो एक क्या हो गए, जाति। एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे गुण वाले व्यक्ति, वस्तु या स्थान को अपन क्या कह देते हैं, कॉमन नाउन कह देते हैं। जैसे अब जयपुर है शहर, कोटा है शहर, दिल्ली है शहर, ये तो इनका अलग अलग नाम हुआ, तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन सबको क्या कहेंगे, जयपुर को भी क्या कहेंगे अपन, सिटी। कोटा को भी क्या कहेंगे, सिटी। तो ये क्या हो गया, कॉमन, एक हो गया। तो इस एक जैसे लगने वालों का जब अपन एक नाम दे देते हैं, एक जाति बना देते हैं, तो क्या कहलाता है, वहाँ कॉमन नाम। आगे चलते हैं फिर अपना। तीसरा प्रकार है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, हिंदी में जिसे कहते हैं अपन। समूह का मतलब आप समझ गए, ग्रुप, कुछ जो एक साथ हो उनको अपन एक नाम दे देते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति एक साथ हो, कुछ वस्तुएं एक साथ हो, कुछ जगह एक साथ हो, तो उसको अपन एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, ग्रुप जिसे बोलते हैं। जैसे यहाँ देख रहे होंगे क्राउड, क्राउड का मतलब था भीड़, मतलब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन लोगों को अपन अलग अलग नाम से नहीं पुकारते हैं, उनको क्या कर देते हैं अपन, एक साथ सब 20 आदमी है तो अलग अलग, लेकिन उनको 20 को एक नाम दे दिया अपन ने, क्या नाम दे दिया, भीड़ का, क्राउड का, टीम। खेल के मैदान में जब बहुत सारे खिलाड़ी हैं तो वो अलग अलग, उनका नाम भी अलग अलग है, लेकिन वो एक साथ काम करते हैं तो वो क्या कहलाती है, टीम। जैसे विद्यालय में छात्र कुछ समूह में बनाकर बैठे हुए होते हैं तो उसको अपन क्लास कह देते हैं, क्लास, कक्षा। तो इसी प्रकार से जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, बंच, बंच बोल देते हैं उसको। भेड़ों का झुंड होता है उसको फ्लॉक बोल देते हैं अपन। तो इस प्रकार से ग्रुप, समूह में एक जैसा कार्य करने वाले, एक जैसे लगने वाले बहुत सारे जब लोग होते हैं तो हम उनको एक नाम दे देते हैं, और वो एक नाम क्या कहलाता है अपना, कलेक्टिव नाम। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा चौथा प्रकार है मेटेरियल नाउन, इसको धातुवाचक संज्ञा कर देते हैं अपन। धातु जितने भी हैं, आपने साइंस पढ़ी है और अपने दैनिक जीवन में भी धातु काम में आते हैं, बहुत सारे धातु हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, पदार्थ भी आ गए इसमें, वाटर है, सैंड है, मिट्टी, पानी, पारा, ये जितने भी पदार्थ हैं और जितने भी
धातु हैं, इनका जो अलग अलग नाम है वो सब किस में आ जाएंगे, मेटेरियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा हिंदी में जिसको अपन कहते हैं। और लास्ट है अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अमूर्त संज्ञा जिसे कहते हैं। अमूर्त और मूर्त दो शब्द हैं दोस्तों। मूर्त का मतलब अपन जिसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और अमूर्त जिसको अपन न तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ भाव होते हैं वस्तुओं को और स्थानों को और व्यक्तियों को, तो अपन देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विचार और ऐसे भाव होते हैं जो जिनको अपन केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे ब्रेवरी, बहादुरी, अपन जानते हैं क्या होता है, लेकिन कोई ये वस्तु नहीं है कि ऐसे कह दें अपन ये बहादुरी पड़ी है यहाँ से उठाकर ले जाओ तो उसको दे दे, ऐसा नहीं है। अपन एक आदमी को देखकर कह सकते हैं कि वाकई में इसमें क्या ब्रेवरी है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऐसे ही और भी हैं, लव, प्रेम, हेट, गणना, हैप्पीनेस, ये आदि शब्द हैं जिनको अपन देख और छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये ऐसे शब्द जितने भी हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों ये थे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, नाउन की डेफिनेशन देखी हमने और उसके जो मेन काइंड्स होते हैं पांच प्रकार के वो देखे, और बहुत ही सरल, ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है। अपने जल्दी अपना दूसरा वीडियो जिस आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MS क्लासेस, जिसका दूसरा टॉपिक प्रोनाउन है, वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।